देख सकते हो एक ट्रैक्टर है जिसते कि खालसे का झंडा लग्या होया है अते जो कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई पोस्टर भी लगे हुए ने। मैं ते मेरे वड्डे ब्रदर रजिंदर सिंह ने मलसियां दे विच इह तैयार कीता वा। जीप तो पहलों ही बना चुके सीगे कि असी सोचा भी चलो एक ट्रैक्टर तैयार करते हैं जो कि असी इहनूं एक मोटरसाइकिल दा इंजन ला के तैयार लाइटां लगियां वा। ये मान लो नॉर्मल बाजार चो मिल जांदियां वा LED ये आपां लै सकदे आ। ते बाकी जिहड़ा इहदे टायर आ अपने फ्रंट वाले ये आपां इहनूं एक्टिवा दे लाए आ। पंजाब दे विच हुण ट्रैक्टर आ ते ट्रैक्टर दे उत्ते डैक ना होवे ते फिर लोक ट्रैक्टर ही नहीं मानदे उहनूं ते तां करके फिर ये भी आपां इहदे ते लगाए आ। ये भी वर्क करदे आ पूरा बॉडी आ सारी ये भी आपां आप ही तैयार कीती आ। जिद्दां इहदा बोनट जिहड़ा आपां ये मारुति कार का लगाया हुआ वा आ। जिदा आपू जी टैंक लगाई ये एक्टिवा की लगाई हुई है ये पेट्रोल पैंता 4 लीटर तकरीबन पेट्रोल पै जाता वा। मोटरसाइकिल का इंजन लाया 150 cc पल्सर का 35 की स्पीड से आप रफ्तार की क्योंकि वधा भी सकते हैं पर आप उस हिसाब ने गरारियां सैटिंग करके भी 35 तक ही जाए तो पेट्रोल तो चलता वा तो 25 की एवरेज यह दे दिंदा। बच्चे बजुर्ग सारे नौजवान बहुत आते फोटवा खिचाते एप्रीशिएट भी करते भाई बहुत वधिया बनाया वा बहुत चंगा फील हुंदा जी। अज असी खड़े हाँ कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच जिवें कि किसानी अंदोलन समय वक् वक् अनोखियां चीज़ां देखन नूं मिलियां उस समय जदों धरना लगाया गया सी किसानां दे वल्लों तां इस मोर्चे दे विच जाने कि कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच वक्रियां वक्रियां चीज़ां जो कि देखन नूं मिल रहियां ने। सो तुसीं मेरे नाल देख सकदे हो एक ट्रैक्टर है जिसते कि खालसे दा झंडा लग्या होया है अते जो कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई पोस्टर भी लगे हुए ने। सो गलबात करदे हां इत्थे भरा खड़े ने मेरे नाल उहनां नाल कि किवें देखदे हो इस मोर्चे नूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की नाम है वीरे थोड़ा? मेरा नाम जी गुरपाल सिंह। की कहना चाहोगे तुसी ट्रैक्टर लेके इत्थे खड़े हो किवें देखदे हो मोर्चे? हाँ जी मोर्चा चढ़दी कला जिया जी जो मान लो अपने बंदी सिंघां दी रिहाई लई लग्या होया वा ते बाकी असीं ते थोड़ी इह अपील करदे आं वी होर वी सारे पंजाब वासियां नूं वी मोर्चे विच पहुंचण दी कृपालता करो। ते वीरे तुसी कित्थों आए हो? असीं आए हां जी मलसियां अपनी वर्कशॉप आ उहदा पिंड अपना ईदा वा जी बलनों तहसील नकोदर जिला जलंधर तों। मैं तो मेरे वड्डे ब्रदर रजिंदर सिंह ने मलसियां दे विच इह तैयार कीता वा। हाँ जी कल्ला ट्रैक्टर जां फिर इस तों पहला कोई होर वी जो कि चीज़ां तुसीं तैयार कीतियां? जिदा साडा काम ही इस टाइप का कोई मकैनिकल लैन का ही काम है आपां कुछ ना कुछ मान लो तैयार करते ही रहने। तो इस तों पहला वैसे असीं इदां ही चलण वाली चीज़ उह आपां इलैक्ट्रॉनिक जीप तैयार कीती सीगी। हाँ जी उह फिर तकरीबन उहनूं भी लोकी आ के इदां बहुत देखदे सी उह साडे कोलों कस्टमर कहिंदे वी नहीं सानूं चाहीदी चाहीदी आ वी दे दिओ। फिर उस तो बाद असीं चलो सोचा कुछ होर नवा करते हैं क्योंकि जीप तो पहलों ही बना चुके सीगे। फिर असीं सोचा भी चलो एक ट्रैक्टर तैयार करते हैं जो कि असीं इहनूं एक मोटरसाइकिल का इंजन ला के तैयार किया। मोटरसाइकिल का इंजन इस ट्रैक्टर के लगाया गया तो पहला इस तो जो कि जीप भी तैयार की गई है। सो अगे जाके होर देखते हैं कि इस ट्रैक्टर के होर की खासियत है। सो खालसा जी का जो कि इतने झंडा भी लग्या होया तुसीं वीरे नाल नाल आ जाओ तो पूरी जानकारी तुहाडे तों हासिल करांगे। सो वीरे जो कि लाइटां ने इस बारे इहदे ट्रैक्टर ते जो लगियां ने उस दे बारे भी जानकारी दिओ। हाँ जी इहदे च इदां आपां इह जिहड़ियां लाइटां लगियां वा ये मान लो नॉर्मल बाजार चो मिल जांदियां वा LED ये आपां लै सकदे आ। ते बाकी जिहड़ा इहदे टायर आ अपने फ्रंट वाले ये आपां इहनूं एक्टिवा दे लाए आ। बाकी इदां भी जो इहदी चैसी चूसी सारी आपां अपनी शॉप ते आप ही तैयार कीती आ। ते जिद्दां स्टीयरिंग वगैरह बारे भी दस्सो। ये स्टेयरिंग जिदा स्पोर्टी स्टेयरिंग होंगे जिदा आम मिल जाते हैं गड्डियां मान लो भी तैयार करने के लिए यह वरते जाते हैं तो मान लो बाजार चो आप ले सकते हैं इनू तो मान लो ये आम नॉर्मल चीज़ ही मिल सकती है ये अपन। तो वीर असं स्पीकर भी देख रहे हैं जिमें कारा के आते हैं व्डे व्डे स्पीकर लगे हुए तो इसकी की खासियत? हाँ जी ये भी आप शौक के तौर पर तुम्हें पता ही पंजाब हम ट्रैक्टर आते ट्रैक्टर के उत्ते डैक ना हो तो फिर लोग ट्रैक्टर ही नहीं मानते उन्होंने ते तां करके फिर ये भी आपां इहदे ते लगाए आ। ये भी वर्क करदे आ पूरा चलदे आ। ते बाकी जिदा इहदी आपां बॉडी आ सारी ये भी आपां आप ही तैयार कीती आ। जिदा इहदा बोनट जिहड़ा आपां ये मारुति कार दा लगाया होया वा ओके होर भी तुहानूं दिखा दिंदे आ विचों आ। जिदा आपां इहनूं जिहड़ी टैंक लगाई है एक्टिवा दी लगाई हुई है इहदे च पेट्रोल पैंदा 4 लीटर तकरीबन पेट्रोल पै जांदा वा। आ इहदा एयर फिल्टर हो गया जी। आ जिदा आपां इहदों मोटरसाइकिल दा इंजन लाया 150 cc पल्सर दा। जिदा आम तो मोटरसाइकलों के हम अजक जो नवे आते उन्होंने रेडिएटर आ जाता वा पर यह जे इंजन
पहले जिदा ये एयर कूलर इंजन होंगे हवा के ठंडा, इस करके हवा ठंडा करने आप पखा भी लाया हुआ वा। कि स्पीड से जो कि यदि रफ्तार हो सकती है, किन्नी स्पीड से दौड़ सकता? ये तकरीबन 35 की स्पीड से आप रफ्तार की है, क्योंकि वधा भी सकते हैं, पर आप उस हिसाब ने गरारियां सैटिंग करके भी 35 तक ही जाए, तो पेट्रोल तो चलता वा तो 25 की एवरेज यह दे दिता जी। तो टायरों बारे भी दसो वीरे, अगले टायर किमें ने ते पिछले किमें तैयार किए? पिछले टायर जिदा जो ट्रैक्टर के फ्रंट पर होंगे वो टायर आप लाए हुए 6-16 के, तो जोड़े रिम भी आ वही थोड़ा आप जगाड़ करके क्योंकि लाए हुए, क्योंकि हब्बां विच मरूती दियां वा ये, तो जो फ्रंट वाले टायर है ये मान लो अपने एक्टिवा दे आप इन्हें यूज किए, जाने की पूरा जुगाड़ लगा के तुसी एक वक्री चीज़ तैयार की हुई है। हाँ जी हाँ जी, जिदा आम ट्रैक्टर तो बनाते हैं सारे कोई, मान लो पिछले डिफरेंशियल ले आते हैं, नाल गेयर जोड़ता, नाल उहदे इंजन लाता, आप नहीं किया, आप सिर्फ यदा पहलों इंजन लिया एक गेयरबॉक्स लिया ही, हिसाब ना ही आप चैसी तैयार की आ भी, जाने की यही कोई जगाड़ू काम नहीं गा, अपन पता सी भी इन्ना ही असी लम्मा रखना वा जा इन्ना ही छोटा रखना वा, उस हिसाब नाल आपां इह तैयार। किन्ना समा लग्या वीरे इस ट्रैक्टर नूं तैयार होण च? इहनूं तैयार करन नूं जिद्दां असी कोई स्पैशल तो नहीं मान लो इहदे लगे इहदे लई, क्योंकि साडे समझ लो की कहिंदे हुंदे साडी वर्कशॉप घर च गंगा वाला साहब हो गया भी, उह जदों कितें असी फ्री होणा मान लो हफ्ते च इक दिन इहनूं लग जाणा, कितें नहीं नहीं खड़ा रहा खड़ा रहा, दो हफ्ते लंघ गए कितने फिर दो दिन ला लेने, उदा तैयार करते कराते वैसे कोई साल कसानू लग ही गया जी। लोगों बारे की कहना चाहोगे कि लोग आते हैं वध चढ़ के देखने लिए, जिम्मे कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई भी फोटो खिंचन का भी होंगे, कोई अनोखी चीज़ होंगी है तो फोटो खिंचता, कि तुहाडे ट्रैक्टर नाल होया? हाँ जी हाँ जी, बहुत जी बच्चे बजुर्ग सारे नौजवान बहुत आते फोटो खिंचाते भी, एप्रीशिएट भी करते भाजी बहुत वधिया बनाया वा, बहुत चंगा फील हों जी सुन के। ट्रैक्टर जो कि अनोखा जुगाड़ लगा के है ना, एक दिमाग की खेड है थोड़ी, कि तैयार किया गया कि इस तो इलावा होर केड़ी चीज़ जो कि नवी लेके आओगे? हुण असीं उदा पहलों भी एक इलैक्ट्रॉनिक जीप तैयार की, हुण थोड़ी जी उस तो वड्डे साइज दे विच एक इलैक्ट्रॉनिक जीप तैयार करते पए आ, हो सकता शायद 15-20 दिनों तक शायद वह असीं भी लैके आवांगे। अजकल दे नौजवान देख रहे एक फुकर पुणे दे राह ते चल रहे ने, ट्रैक्टरां दा शौक घटदा जा रहा, बुलट जां जिहड़े होर नवी नवी वैरायटियां दे मोटरसाइकल आ रहे ने उहनां वल जांदे? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵਰਤੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਹੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾਲ ਸਟੀਲਸ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ।